सुनो चंदा। सुनो शेरी, मुझे लग रहा है पुप्पो लोग भी ना चुटकी शाह के पास गए होंगे। मुझे तो 100% यकीन है कि बीजान भी वहीं पे होंगी। भाई तो हमें एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात? मुझे तो लग रहा है वहाँ पे पूरा खानदान एक दूसरे से छुपता फिर रहा होगा। देखो बस हमें कोई ना देखे, बाकी सबकी खैर। दिल ही दिल में सब यही सोच रहे होंगे। वैसे जिया, ये चुटकी शाह क्या बहुत कमाल के आदमी है? शेरी क्या बात करी है तुमने, चुटकी शाह की कमालात की धूम तो ना सिर्फ इस शहर में बल्कि मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर दूर तक फैली हुई है। जानते नहीं हो तुम चुटकी शाह बाबा को? और तुम्हें पता है वो 3 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करके आए हैं। प्रैक्टिस? हाँ, तुम अभी जानते ही कहा हो चुटकी शाह बाबा को। पता है मैंने तो सुना है कि उनके कब्जे में ना जिन भी हैं, और वो जिन जो उनकी चुटकी बजाते हैं सारे के सारे काम चुटकियों में कर देते हैं। कौन जिन? शरी चुटकी शाह बाबा। अच्छा। अब जल्दी चलाओ, मुझे टेंशन हो रही है कोई मिल ना जाए वहाँ पे हमें। यहाँ से लेफ्ट पे था या राइट पे जाना है? तुम्हें रास्ता नहीं पता? मैंने तुम्हें बताया था ना सीधा जाना है हमने। ओए अल्लाह, इतना गर्मी तो कराची में कभी नहीं पड़ा, ये क्या हो गया? सोच लो, अगर बीजान से टकरा हो गया तो क्या बोलेगी? ये कह देंगे कि किंजा की शादी का तावीज बनाने आए हम दोनों। क्या बात करते तुम, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों? हमारे बेटी में कोई कमी है जो हम उसका रिश्ते के लिए तावीज देने जाएगा? ठीक है तो फिर यही कह देते हैं कि जिया और अर्शल की शादी तोड़वाने आए हैं हम चुटकी शाह के पास। वाह वाह, क्या अकलमंदाना बात किया। उससे पहले पेखावर की वापसी का टिकट ले लेना। आप किसी बात की फिक्र ना करें और टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। वो तुम टेंशन की बात करोगे तो टेंशन लेगा ना। टक पक टक पक। हेलो, बताओ का औलाद तुम क्या बात करता है? हमने अपने किसी बहन की शादी वादी का कार्ड नहीं छपवाने को दिया। फिर तुम बकवास करते है। अब अगर तुमने कोई बात किया ना तो हम साइबर क्राइम में तुम्हारा कंप्लेंट करेगा, शिकायत करेगा। वो चुप करो टपूस का औलाद, दोबारा हमका फोन नहीं करो। वाटे तुम रास्ते से, तुम्हारा बाप का सड़क है इधर, हमको रोजा लगता है। बस करे ना, पहुंच गए। ये शाहजहान को कहीं शक तो नहीं हो गया? वो कैसे? कह जो रहा था जमशेद को कि जाके छोड़ कर आओ। अरे नहीं नहीं, वो तो आपके आराम और सुकून के लिए कह रहे थे। अरे जाने दो, मेरा ख्याल कहाँ है उसे। वैसे बीजान, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आगा जी के दिल में दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी सर उठा रही है आजकल। बड़ी मीठी मीठी नजरों से देखते हैं आपकी तरह। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हाँ जैसे हमें तो पता ही नहीं है, सारा खानदान जानता है कि आपकी शादी होने वाली थी उनसे। मने तो मत। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, मेरी बात गौर से सुन लो। आप कहें ये चुटकी शाह वाली बात खानदान में किसी को पता ना चले। अरे बीजान बेफिक्र हो जाए, और बेला का दिल नहीं अंधा कुआं है, ऐसा अंधा कुआं जहाँ से कभी कोई बात बाहर आ ही नहीं सकती। इसीलिए तो मैं मासूमा से भी ज्यादा एतमाद करती हूँ तुम पर। हाँ तभी तो सारा खानदान जलता है कि मुमताज खाला ने बिल्लो को अपने सर पे चढ़ा रखा है। हाँ ख्वाहिश तो मेरी कुछ और थी, लेकिन ये शनो नागर पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। अब कितनी दूर रह गया भाई? बस थोड़ी दूर। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो खुद डीजे ने ये बात बताई है कि जिया ने वो वीडियो डिलीट कर दी है, वरना हमारे पास तो अच्छा खासा सबूत था। मगर जिया ने ऐसा किया क्यों? शायद हमें सदमे से बचाने के लिए, कि हम देखेंगे तो हमें दुख पहुंचेगा। दुख तो खैर अब भी हुआ है। मासूमा हमारी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती है? देखिए नजाकत साहब, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना तो सब माँ बाप खुद गर्ज हो जाते हैं। तो फिर चलो। कहाँ? शाहाना भाभी से दो टोक बात कर ले, आज ये मामला आर पार हो ही जाए। लेकिन बीजान, किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। जिया हमारी औलाद है, उसकी जिंदगी का फैसला भी हम ही करेंगे।
ठीक है चले, आज ये तमाशा खत्म ही कर देते हैं। चलो मुझे लग रहा है कि पप्पू जान लोग भी आ गए हैं। तो अब क्या करें? मेरा एक दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। सुनो, एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं कि हम पीछे वाले दरवाजे पे चले जाते हैं और जब वो लोग चले जाएंगे ना, तो हम इंतजार करने के बाद, उन पे नजर रखने के बाद हम अंदर चले जाएंगे। कैसा? यार मैं तो कह रहा हूँ वापस चलते हैं, छोड़ो। अरे क्या पागल हो गए हो, इतनी दूर आए चुटकी शाह बाबा के पास, अब तो मिले बगैर नहीं जाएंगे। अरे जाओ जाओ जमशेदली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। उसी तारीख को ना मैंने अपने पुत्र का विवाह करके दिखाना किसी और लड़की के साथ, और जिसने मेरी टांग तोड़नी ना वो आके यहाँ पे तोड़ ले। आ गई बात समझ में? हाँ जी फरमाइए। वैसे भाभी हर बात की हद होती है। अच्छा जी, और आप लोगों ने तो कोई हदें पार ही नहीं की है ना। किया क्या है हमने? ना मेरे घर में बैठ के मुझे धमकियों वाले पैगामात भिजवा रहे हो, ये कुछ करना नहीं होता? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कौन सा पैगाम, किसने दिया पैगाम? ना ये धमकी दी गई है मुझे कि अगर मैंने जिया और अरसल के विवाह में जरा सी भी टांग अड़वाई तो तुम लोग सारे मिलके जमशेद का उस बिल्लो माधुरी के साथ करा दोगे निकाह। कुत्ता का खौफ करें भाभी, हम ऐसा क्यों करेंगे? बस करें चाची, असलियत खुल के सामने आ गई आप लोगों की सबकी। मेरे पास ना साइकेट्रिस्ट का नंबर है, मैं आप दोनों को देता हूँ, जाके ना माँ बेटा चेक करवा के। मैं भाई अल्लाह जी, हम तो चेक करा लेंगे अपने दिमाग पर, आप ये चेक करें कि आपकी उस बदतमीज और मूज और कुड़ी को देगा कोई रिश्ता। हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखटू लड़बार। औकात क्या है इसकी, इसके पास है क्या? बाप के पैसों पे याची करता है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा जी, इसी कंगाल मुंडे का मैंने ना आपको उसी तारीख को व्याना करके दिखाना, तो मेरा नाम भी शाना नहीं। कोई पागल ही होगा जो इस बेरोजगार को रिश्ता देगा। हमारी जिया के पास कमी नहीं है वेल एस्टेब्लिश्ड बॉयज की। हाय। अच्छा जी, और कोई अन्ना होगा जो आपकी टूट पैड़ी गिठी फुअर कुड़ी को देगा रिश्ता। अब हम देखते हैं कि कौन किसको डिजर्व करता है और कौन किसका रिश्ता कैसे करता है। चले चलो, इससे पहले कि ये हमें मारें। हाँ, आए बड़े। ठीक किया अम्मा। शाबाश, शाबाश मेरा शीजवान। जा कुंडी मार के आ, दोबारा ना आ जाएगा। निकम्मा। मेरे बच्चे। हमारे चुटकी शाह बाबा ने पूरे 10 साल बंगाल के जंगलात में चिल्ला काटा है, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा है। खामोश, बाबा को ज्यादा एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है। बाबा का नाम बोलता है काम। हम लोग बड़ी आस और उम्मीद लेकर आए आपके पास चुटकी शाह जी। बोल बच्चा, यहाँ जो भी आया है ऊपर वाले ने उसके मन की मुराद पूरी की है। देने वाली जात तो ऊपर है, तुम पता नहीं क्यों नीचे बैठकर यहाँ चुटकियां बजा रहे हो और पैसे कमा रहे हो। तेरे मन में खोट है बुढ़िया, पहले दिल का मैल साफ कर। जब तक तेरे मन में मैल रहेगा तेरे दिल की मुराद पूरी नहीं होगी।
नहीं वो तो मैं बस ऐसे वो तस्बीह कर रही थी। नजर तो कोई नहीं आ रहा। इतने दिल से क्या दुआ मांग रही थी? गेस करो। अपने एडमिशन की दुआ और अपने और अरसल के रिश्ता खत्म होने की दुआ। हाय वो तो दुआ मैं मांगने ही भूल गई। दोबारा मांग। नहीं 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 तुम रहने दो, वैसे ही बहुत टाइम हो गया, मतलब मांगने दो। ओके क्या मांगा? मोहब्बत। किसकी? उस लड़की की जो मेरी जिंदगी खूबसूरत और दिलकशी नहीं बल्कि आसान भी बना दे। वाह 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 बड़ी अच्छी दुआ मांगी है शरी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत बड़ा, अगर तुमने स्पेशलाइजेशन से पहले मुझे रास्ते में बीच में छोड़ कर जाने की अगर कोशिश की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बेफिक्र रहो, मैं रास्ते में छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। चाहो तो आजमा लो। सोच लो, आजमाइश बड़े बड़ों को राह से भटका देती है। बस कोई अपने दिल से ना निकाले और अपनी मोहब्बत से महरूम ना करे, बाकी चीजों से तो इंसान निबट ही लेता है। माँ बदौलत आपके ख्यालात से इंप्रेस हुए। और हम तो हर रोज ही फिदा होते हैं आपकी किसी ना किसी अदा पर। सुनो चंदा। सुनो चंदा। ये आप लोग इंतजार करें, बारी बारी नंबर आएगा आप लोगों का। क्या बात है, कितना देर हो गया और कितना इंतजार करोगे? रहने देना, सबर करें थोड़ी। सबर करने के लिए दुनिया में हम भी बचे, हम जाके भी बात करें। नहीं नहीं हमको बात करने दो। कहाँ जाओ? क्या बात है, जो अंदर जाता है वो वापस ही नहीं आता। 3 घंटे से हम इधर इंतजार करते हैं। अंदर कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं चल रही है। जब शाह साहब का पैगाम आएगा तो आपको अंदर भिजवा देंगे। आप माँ सुकून करो, लाइन में लग जाओ। जी जी वो आ जाए फिर आप करते हैं। कुछ आप जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले ना चले, सबर कर ले थोड़ा। शाहजी कोई ऐसी चुटकी बजाएं कि मेरे पोता और पोती की शादी हो जाए फौरन। जोड़े आसमानों पर बनते हैं बुढ़िया, तुम जमीन वाले उनके साथ यहाँ अपनी फनकारियां मत किया करो। अरे नहीं नहीं चुटकी साहब, फनकारियां हम नहीं कर रहे, लड़के की माँ कर रही है। निकाह कर लिया और अब मुकर रही है। जो निकाह का मजाक उड़ाएगा बच्चा, अल्लाह उसे दुनिया में तमाशा बना देगा। बस आप ना कोई ऐसा अमल कर दें कि लड़के की माँ जल्दी से घर वापस आ जाए। समझो काम हो गया, 2 दिन के बाद वो घर आ जाएगी। लड़के का नाम क्या है? अरसल जमशेद अली। लड़के की माँ का नाम क्या है? शाहाना बतूल। लड़की का नाम क्या है? अजिया नजाकत अली, और माँ का नाम नईमा बीबी। जुमे को उन दोनों के काले कपड़े ले आना, मैं दम करके दूंगा।
और 3 दिन तक घर में लुबान की धुनी देना। काले रंग की कमीज? क्यों बुढ़िया, सुनाई नहीं देता तुझे? अगली मर्तबा जब आना तो कानों में तेल डाल कर आना। चुटकी शाह के पास इतना टाइम नहीं, एक बात को दो दो बार करे। चलो जाओ आप। चुटकी शाह जी, अब हमें इजाजत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने सुने, अभी फिलहाल हम शाह साहब के हुजरे में चलते हैं। चलो, तुम्हारी खातिर ये भी कर लेते हैं। वैसे काफी कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कर लूंगा। आफ्टर ऑल अभी इतने बड़े बड़े अहद जो किए हैं। हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखटू लड़के। बार औकात क्या है इसकी? इसके पास है क्या? बाप के पैसों पे याची करता है। हाय सल्लू, कितना हाय, तू इतने लम्मा पे है। सुनिए, तूने सुनिए अपने चाचा चाची की बातें। मुझे तो लगता है कोई तगड़ा कुकड़ ताड़ लिया है। अब पता है मुझे अम्मा कौन सा कुकड़ ताड़ा है। कौन भला? अब वो है नहीं शहरी यार, भला उससे ज्यादा बेवकूफ बंदा कौन मिलना इन्हें। अरे बेड़ा तर जाए इनका, कैसी ऊंची जगह पे हाथ डाला इन्होंने, परेशान ना ये होने नहीं देगी। हमारी बला से अम्मा, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं कुछ भी। ना क्यों नहीं करना मैंने कुछ, इनको तो पता नहीं है अभी मेरा। मैं तो जब भी बोलती हूँ कफन फाड़ के बोलती हूँ। अम्मा बस कह दिया ना तुझे, प्लीज तूने कुछ नहीं कहना उन्हें। अच्छा सही है फिर, तू खा मेरे सर की कसम, खा मेरे सर की कसम के जिया के ब्याह से पहले पहले तू पूरे खानदान को अपने मनीमे का जिंदा खिलाएगा, खा कर। ठीक है अम्मा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तू फिक्र ना कर। बस सही है, इतने रक्स हुन कीती है ना मर्दा वाली गल। शावा मेरा पुत्र। कहना भाभी ने अरसल का रिश्ता खत्म कर दिया। अरे वो कौन होती है मेरे बेटे का रिश्ता खत्म कराने वाली? भाईजान उसकी माँ है। माँ है तो जहेज में लेके आई बेटे को? नईमा को नजाकत को इस मौके पर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आगा जी 20 दिन रह गए हैं शादी को, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? मैं इस औरत का दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ, समझती क्या खुद को? बैठे रहो इधर, जज्बातियत से कोई मसला हल नहीं होता। आगा जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं नहीं आगा जी, हमने फैसला कर लिया, हमने नहीं करना जिया का रिश्ता। आप भाभी से कह दें अरसल के लिए कोई और रिश्ता ढूंढे। क्या कह रही हो नईमा? ठीक कह रही है आगा जी, हमारी तरफ से भी इंतजार ही समझे। लो जी, अब यहाँ भी शाहाना वाला नवा कट्टा खुल गया। भाईजान हमने ठेका नहीं उठा रखा आपकी बीवी से जलील होने का। चलो भाई। अच्छा एक मिनट भाई। अगर जी इन सब ने मिलके कसम खाई है मुझे हार्ट अटैक करवाने की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आइडिया अच्छा है। कौन सा? हार्ट अटैक वाला। वैसे भी शाहानों को बहुत खौफ आता है ना बेवा कहलवाने से। वैसे आगा जी आप बंदे बड़े कमाल के हैं। पता चलेगा, अब पता चलेगा। शर्म नहीं आती किसी का निकाह खत्म करवाते हुए? जी तो चाहता एक ही चुटकी में तुम दोनों को भस्म कर दूं। नहीं नहीं चुटकी बाबा, थोड़ा सा चुटकी को हल्का रखो। आप देखो वो बच्चा बच्चे खुद ही रिश्ते पर राजी नहीं तो हमको पसंद क्यों करते? अगर ये बात है तो किए देते अमल, पर चुटकी शाह का माटो किसी के घर बर्बाद करना नहीं, आबाद करना है, आबाद। हाउ करना, हाउ करना। आप बस दुआ करें कि इस लड़के का रिश्ता मेरी बेटी से हो जाए, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान याद रखूंगी। क्या नाम है उस लड़के का और उसकी माँ का? लड़के का नाम है अरसल और वालिदा का नाम है शाहाना बतूल।
लड़की का नाम? अजिया नजाकत अली। और माँ का नाम? नईमा बीबी, है ना? आपको कैसे पता शाहजी? चुटकी बाबा साहब जानता है, अल्लाह का बड़ा खास करम है इस पर। आप बस इस लड़के का रिश्ता तोड़ के टांका जोड़ दें मेरी बेटी का। देखो बीबी, वेल्डिंग का काम नहीं है हमारा, दरवेश सिर्फ दुआ कर सकता है, बाकी सब काम ऊपर वाले के। हाँ का नाम है, हाँ का नाम बाबा चुटकी दरवेश बाबा। हम भी बुजुर्गों के पास दुआ लेने के लिए आए। तेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, किसी दिन अकेले में आना, तेरे दिल की कली भी खिला देंगे चुटकी बजा के। हाउ करना पर हाउ कर। औरत, 3 दिन तक लुबान की दूनी देना घर में, और कुछ तावीज देता हूं, घोल कर पिला देना लड़के को। चलो जाओ अब। फिर मेहरबानी दशा जी, दोबारा आपके आस्थाने पे हाजिरी दूंगा मैं। सर तेज चलाइए ना, कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी जगह जिया होती ना तो अभी तक छलांग मार के सड़क पर उतर चुकी होती। मैं जिया नहीं हूँ, इसीलिए तो इतना मजा आ रहा है, वरना अभी तक तो मुक्के मार मार के वो पागल मेरा कंधा जख्मी कर चुकी होती। एक मिनट, बाइक रोकी है सर। क्यों? एक सेकंड, क्या हुआ? बस बाइक रोकी है पहले। अच्छा रोक रहा हूँ। क्या हुआ? आप हर चीज के बीच में जिया को क्यों ले आते हैं? तुम्हें बुरा लगता है? जी, बहुत ज्यादा। सॉरी यार, असल में किंजा हम दोनों ने टाइम भी तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया ना। आप भूल जाएं अपनी तलखबाजी को, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। आपने सबको कुछ करके दिखाना है। कोशिश तो कर रहा हूँ यार, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हो। इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, मुझे पता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसे सब आपको समझते हैं। थैंक यू गिंदा, कितनी अच्छी हो यार तुम। Really? 100%। अब बैठो नहीं तो तुम्हें भी छोड़ के चला जाऊंगा सड़क पर। हिम्मत है तो करके दिखाए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आओ बैठो और खामोशी से बैठना। आप एक दफा खामोश होने का बोले, उसके बाद अगर मैं एक भी लफ्ज बोलूं ना फिर आप कहिएगा। बोल बच्चा, रिश्ता करवाना है या तुड़वाना है? जो भी तेरे दिल में बात है चुटकी शाह को बता दे। शाह जी, मुझे ना बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उसके लिए जरा दुआ करें ना। भूल जा, निकाल दे ये ख्वाहिश अपने दिमाग से, अभी तेरा टाइम नहीं है। ये चुटकी यूं नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। लेकिन लेकिन क्यों शाह जी? तेरी जिंदगी में भौचाल आ जाएगा,
तेरा अपना दिलो दिमाग तेरा साथ नहीं देगा, तू सब कुछ भूल जाएगी। कम लेट्स गो। ओके जी, शुक्रिया आपका। कम, इसका हाथ मजबूती से पकड़ ले वरना तुझसे भी छुड़ा लेगी। ये मेरा हाथ है शाहजी, आपकी चुटकी नहीं, जो कभी बचती और कभी नहीं। मेरी चुटकी से ना डर, ऊपर वाले की लाठी से डर। इतने बड़े बड़े बोल ना बोल, नहीं तो मुंह पे आ लगेंगे। हक मौला, हक मौला, हक मौला, हक मौला। मेरे तो पीछे ही पड़ गया था वो कमबख्त चुटकी शाह। बाबा कमबख्त तो ना कहें, तोबा तोबा करें, उनकी दुआओं में बड़ा असर है। हाँ देखेंगे कितना असर है, हम भी यहाँ हैं तुम भी यहाँ हो, देखते हैं। अरे आप दोनों तो अफ्तारी पे गई थी ना। हाँ वापस आ गए, तुम्हें क्या? वो आगा जी, मैंने अपनी सहेली का घर पूरे नॉर्थ नाजमाबाद में ढूंढा पर मिला ही नहीं, मजबूरन अफ्तारी से पहले वापस आना पड़ा। इसीलिए कह रहा था कि जमशेद को साथ ले जाओ। अरे छोड़ो मियाँ, जमशेद के सितारे तो वैसे ही गर्दिश में, एक बीवी संभाली नहीं जाती। बेटे की शादी मुश्किल में पड़ी हुई है, पता नहीं दो दो फैक्ट्रियां कैसे चला रहा है वो। लीजिए, लगता है इनको भी घर नहीं मिला। आइए आइए जलाल मियाँ, आपकी इफ्तारी भी कैंसिल हो गई क्या? और किसका हुआ? वो मेरी सहेली ने ना हमें इफ्तारी पे बुलाया था, घर ही नहीं मिला। और हमारा दोस्त का भी सास पोत हो गया, रास्ते में फोन आया था तो हमने कहा घर चलो। तुम्हारा ये कौन सा दोस्त है जलाल मियाँ जो रातों रात कराची में पैदा हो गया? लो बिल्लो की कोई दोस्त निकल सकती है तो इनका कोई दोस्त क्यों नहीं? अच्छा अच्छा मासूमा, ज्यादा बातें मत करो, तुम तो जज्बाती हो जाती हो मियाँ के लिए जरा जरा सी बात पर। चलो अंदर चलो, नईमा का हाथ बटाओ, इफ्तारी तैयार करो, देर हो रही है, चलो चले। झुमका बहुत सूट कर रहा है आपका। और ये सूट बहुत खूब, बुलबुल है तुम तो बहुत खस्त। हक अल्लाह, हक अल्लाह। तुम मानो या ना मानो, ये चुटकी शाह एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे इतनी आसानी से कर दी, मेरा तो दिल ही चिर गया है। लोगों के नफ्सियात से खेलते हैं ऐसे लोग, इसीलिए मना कर रहा था मैं यहाँ पे नहीं आओ, लेकिन बात ही नहीं माननी मेरी। लेकिन शहरी, जो चुटकी शाह बाबा ने कहा है वो सब सच है क्या? क्या मैं सच में बाहर पढ़ने नहीं जा सकूं? हाँ तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पे तो भरोसा है लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। तू जाने कब, कहाँ, किधर ले जाए? मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पर यकीन रखता हूँ जिया, और जो अहद कर लूँ उस पर डट जाता हूँ। लेकिन चुटकी ना बाबा ने ऐसी बातें क्यों की? वो इसलिए ताकि हम उनकी बातें चुटकियों में उड़ा दें, यूं करके। मैं तो कभी भी इस लोगों के पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं। That's like a good girl. लेकिन जिया तुम्हें एक और वादा करना होगा। वो क्या? जो लोग हमसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनसे जिद करना मोहब्बत की तौहीन होती है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी एक दूसरे का बुरा नहीं सोचते। I'm sorry. नहीं, it's okay. तुम्हें पता है अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह अरसल होता ना तो इतनी इंसल्ट करता, मेरी इतनी इंसल्ट करता और बार बार हर सेंटेंस में मुझे यही कहता, मैंने कहा था नहीं आना, मैंने कहा था नहीं आना, मैंने कहा था नहीं आना।
जिया ऐसी बात नहीं है, हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, कभी किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। अच्छा अब चलो लेट्स मूव और कहीं अच्छी जगह चल के इफ्तारी करते हैं। ओके चलो। वहाँ मस्कारा फैला हुआ है। है नहीं करूँ, इतना महंगा मस्कारा लिया था मैंने। अभी झूठ बोल रहे हो इधर आओ। नेमा को काम है तो बताओ। नहीं कर लिया मैंने सारा। चलो अच्छा है, मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। आप लोगों को सेट करें ना, वही काम आप ठीक करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने किसको सेट कर रखा है? जिठानी साहिबा को। बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल सुबह शाम उनकी तरफ। बल्कि बेटी को भी छोड़ दिया खिदमत करने के लिए। बाबा ओहो नईमा, वो तो मुझे जमशेद का मुंह मार गया, इसीलिए तो मैं शहाना की मिन्नतें करती फिरती हूँ। वो कमबख्त एक दफा घर वापस आ जाए तो आराम से बैठ के हम जिया और असल की शादी की बात करेंगे ना। कौन सी शादी जिसको तोड़वाने के लिए आप तावीज करवाती फिर रही हैं? खुदा का खौफ करो, ऐसे इल्जाम क्यों लगाती हो मुझ पर? आप ना खुदा का खौफ कीजिएगा दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करते वक्त। खजूरों की प्लेट कहाँ पड़ी है? तुम इधर आओ ना जरा। सच सच बताओ, आखिरी वीडियो किसकी बनाई थी? फूफा कसम ले ले, वो तो जिया आपी ने मेरे सेलफोन से डिलीट कर दी। आप ही की बनाई थी? फसाद की जड़ हो तुम मोटे। बिलो रानी, अमेरिकन सुंडी की तरह डायरेक्ट दिल पर हमला किया, हमारे जज्बात का सारा फसल ही दोबारा हरा भरा कर दिया। अगर हमारी मोहब्बत का मुस्बत जवाब दे दो तो ऐसा लगेगा जैसा आखिरी उम्र में लॉटरी लग गया हो हमारा। जलाल ओके उठे, डाकू ने हमला कर दिया, हम अपना मोबाइल नहीं देगा, हमारा मोबाइल बहुत कीमती है। नहीं डाकू नहीं आए, लेकिन हमारा राज सारा खुल गया है। कौन सा? शाना भाभी वाला? ओ खुदा का बंदा, तुमको मना भी किया था, रमजानुल मुबारक का महीना, इतना गीबतें मत करो मत करो। नहीं वो चुटकी शाह के पास जाने वाला, नेमा ने बड़े ताने दिए मुझे, वो कमबख्त डीजे ने हमारी सारी बातें सुन ली। ओए 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 ध्यान करो, वो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, वो जिन का बच्चा कभी भी कहीं हमारा फिल्म ना बना रहा हो, पता नहीं कहां कहां से फिल्म बनाते वो। नेमा ने ना भिगो भिगो के ताने दिए, बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे। बेगम साहिबा, ऐसे मौके पर इंसान को डिटाई का आला मुजाहिरा करना चाहिए। वो कैसे? मुकर जाओ और बल्कि हो सके तो अगले बंदे का सर का कसम भी खा लो। अब इतना भी आसान नहीं। अरे अगर तुम इसको आसान नहीं समझेगा तो ये आसान नहीं होगा ना। हम तुमको एक बात बताते हैं, इंसान दो तरह का आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक वो जो दरिया के दूसरे किनारे पे खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा हूँ आप उसका क्या करोगे? कुछ भी नहीं। और दूसरा वो इंसान जो आपके मुंह पर मुकर जाए। चले अभी तो पहला तजर्बा था ना, आगे जाके पक्कापन आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बात हमारा गौर से सुनो, इफ्तारी तक तुम इसी कमरे में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? भाभी सुबह तक सारा बात भूल जाएगा। सही कह रहे हैं आप, बस इफ्तारी भिजवा देना कमरे में, मैं आज रोजा खोल के ना दो सपारे पढ़ूंगी कुरान पाक के। माशाल्लाह माशाल्लाह, हे अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने वो कितना प्यारा और खूबसूरत बीवी दिया। तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, इफ्तारी हम तुमको मिलची की याद भिजवा देगा, ठीक है? हम बात नहीं। ये जलाल पापा हैं? तुम बड़ी स्टाइलिश लग रही हो अपने सब पे। थैंक यू। इतनी फैशनेबल लग रही है, ब्लैक कलर तुम पे बड़ा सूट करता है।
थैंक यू। व्हाट अ सरप्राइज, तुम दोनों भी आए हो यहाँ पे। हाय जी, कैसी हो? आई एम फाइन। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं, वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम हियर। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आजो साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज, यू गाइस कैरी ऑन। व्हाई वुड वी माइंड? और वैसे भी प्राइवेसी की जरूरत तो हमें भी थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं शेरी। क्यों? बिल्कुल। सो लेट्स मूव। हैव फन। बाय। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार एक तो तुम दोनों की घिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बहन बच रही है। अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी। और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ। दो चार बस गालियाँ देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से। ठीक है, जाओ, गो हैव फन। वो प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुमने थोड़ी अकल आ गई। चलो ऑर्डर करते हैं। सुनो